जयपुर में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से थर्ड एनुअल हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड एचआर कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन का आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और साथ ही तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को उच्च शिक्षा में सोच बदलनी होगी, तभी देश आगे बढ़ सकता है। सरकार ने राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया है और IIT, NIT और साथ ही तकनीकी यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। अब शिक्षा में तकनीकी को साथ लेकर रोजगार परक शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने भी संबोधित किया। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रयास है जिसमें इनोवेशन जितने हो रहे हैं, उन इनोवेशन को अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए आपस के अंदर आदान प्रदान करने का वॉइस चंद्र के साथ में, प्रिंसिपल के साथ में, हेड ऑफ कंपनी है उनके साथ में, MSc के जो लोग आए हैं उनके साथ में, देश और विदेश के अंदर नवाचार हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी एक्सचेंज हो, उसके प्लेटफॉर्म के लिए इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी बने या NGO बने, इसको मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रयास है। उसके लिए मैं धन्यवाद इस आयोजन का। मुख्य हमारा जो उद्देश्य है, हमारे प्रदेश के, हमारे अलग अलग देश के, अलग अलग राज्यों के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके प्रतिनिधि VC हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो उन सबको एक प्लेटफार्म पर ईलेट संस्था के माध्यम से यहाँ 2 दिन एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसका मूल उद्देश्य है कि शिक्षा का और शिक्षकों का, शिक्षाविदों के विचारों का आदान प्रदान हो।